अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो सॉर्टर का पेपर हुआ है, तो ये जो निशानात लगी हुई इसमें काफ़ी गलतियां हैं, इसको क्लियर करते हैं। आज जो 4 तारीख को 4 मार्च 2023 का जो पेपर हो चुका है सॉर्टर का, आपके साथ शेयर करेंगे। आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। असलम इंटेंड्स टू क्विट हिज जॉब, हिज पे इंक्रीज। लेकिन जब एक्शन की बात हो तो अनलेस लगता है, और जब वक्त की बात हो तो फिर अनटिल लगता है। तो ये अनलेस ऑप्शन भी हमारे पास इसमें करेक्ट है। शी इज होम डैश, देखिए गोइंग टू स्कूल होता है, लेकिन गोइंग होम आप यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास, घर से पहले टू नहीं लगता, यानी गोइंग टू नहीं लग सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अराइव बसेस इन बसेस, ऑप्शन डी। वी नीड आइडिया टू फिक्स हिज दिस इशू, वी नीड अनदर आइडिया टू फिक्स दिस इशू, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट गिव अप डैश, तो ये होपिंग ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अप इन आर्म्स मीन्स टू बी एंग्री, इसका होता है ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर जो है एनोटेट है, एनोटेट, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट स्पेलिंग। सिनोनिम्स ऑफ डिस्पर्शन इज डिस्पेगिंग रिमार्क, ऑप्शन ए हमारे पास 8 में करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बाय इट मीन्स, इसका मतलब है टू बिलीव, टू हेट, यहाँ पर ऑप्शन बी हमारे पास 9th में ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, असलम डैश द डोर बिफोर एंटर द रूम, तो इसमें नॉट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। द हेराक्यू इन डैश माउंटेन, ये नूर में है, अनूर, ऑप्शन डी हमारे पास 11th में करेक्ट है। ट्रिटी ऑफ अल हुदैबिया वाज रिटन बाय, ये हजरत अली अली मुर्तजा, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। द नेम मोहम्मद हैज बीन मेंशन, ये कितनी बार, 4 बार आया है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में, द ऑर्डर अबाउट यानी वजू और गुसल एंड तयमम वर गिवन इन सूरह अल माईदा, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। इन हज स्टोनिंग द डेविल, कंकरियां मारना, ये क्या है आपके पास, सरमी है, ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर हमने इसको कर लिया। डैश गज़वा आर डिस्क्राइब इन द होली कुरान, तो 12 है, ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सूरा स्टार्ट विद आउट बिस्मिल्लाह, तो ये सूरह तौबा, ऑप्शन सी हमारे पास। प्रॉफेट इब्राहिम अलैहिस्सलाम रिमेन्स इन द फायर फॉर 40 डेज, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। द वेल्थ लिव्ड बाय द डिसीज, इसका उसको तरका कहते हैं, ऑप्शन ए। द टोटल नंबर ऑफ गज़वात यूनिफाइड बाई मुस्लिम्स, वो 27 हैं, 27 गज़वात, और कुरान मजीद में 12 का जिक्र है। ज़ुल्करनैन इज मेंशन इन ये काफ में, सूरह काफ में, और माल्टा इज एंड डैश यूरोप, ऑप्शन डी हमारे पास। पेसो अर्जेंटीना, हेडक्वार्टर ऑफ यून इज न्यूयॉर्क। द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज कैसर, ऑप्शन बी हमारे पास इसमें करेक्ट है। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर एयरपोर्ट एंड डैश 1913, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान इज रिवर इंडस, ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। देवबंद मुस्लिम देवबंद मदरसा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1867, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन, देखें इन सबको आप जमा करें, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 पे तकसीम करेंगे तो ये 45 को अगर 5 पे तकसीम करेंगे तो ये 9 आएगा, और ये ऑप्शन बी में आपके पास करेक्ट जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 है, द पॉइंट -3 और -4, देखें यहाँ पर आपके पास यानी दोनों प्लस होते हैं, यहाँ पर एक माइनस होता है और एक प्लस, यहाँ पर आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो है ये नेगेटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव, दूसरा आपके पास जो है ये बल्कि एक्स ये पॉजिटिव होता है और
वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है प्लस माइनस। तो यहाँ पर दोनों जब नेगेटिव हो वो क्वाड्रेंट, ये वन है, ये आपके पास टू है, और ये आपके पास थ्री है, और ये आपके पास फोर्थ होता है। तो क्वाड्रेंट थ्री आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास मौजूद है ऑप्शन सी में, और सी हमारे पास 30 में करेक्ट आंसर है। इन द मेजरमेंट ऑफ डिग्री मेजर इक्वल टू, ये यहाँ पर इसमें हमारे पास 31 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, देखें एक ये आपके पास है ये लाइन, अगर ये दोनों को उसको टच करे तो इसको काट कहते हैं, ऑप्शन बी 32 में हमारे पास ये करेक्ट है। प्लॉट इज एन डैश, ये आउटपुट डिवाइस ऑप्शन ए हमारे पास 33 में करेक्ट है। मेन मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड डैश, तो उसको 34 में हमारे पास ये प्राइमरी स्टोरेज ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डैश कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन ए हमारे पास 35 में करेक्ट है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बी पी एस इज यूज टू डैश, तो 36 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बी पी एस। अच्छा, तो इसमें हमारे पास प्रोसेसर डे ट्रांसफर रेट बी, तो इसमें 36 में हमारे पास यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है वो सी। द गॉर्जियस डैम इज लोकेटेड इन 37th में हमारे पास जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता है वो है डी ब्राज़ील। और टू गो टू फार्मूला टेप द शॉर्टकट की इन एमएस एक्सेल इज डैश, 38 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है सी यानी आर प्लस एम। यहाँ पर आपके पास जो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 39, सरदार अब्दुल रब नेश्तर वाज डैश गवर्नर ऑफ पंजाब, ऑप्शन डी हमारे पास 39 में करेक्ट है। 40 है, कैप्टन मोहम्मद सरवर हैड एम्ब्रेस्ड मार्टायर्डम इन द वार ऑफ डैश, तो 40 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1948। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड इन डैश, 25 मार्च 1969। और 42 है, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली सेनेट एंड प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए। वन यूनिट वाज एस्टेब्लिश इन वेस्ट पाकिस्तान इन डैश सितंबर 1955, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। रमजान इज द मंथ इन इस्लामिक कैलेंडर, तो ये 9th है, ऑप्शन बी। दीवर इज द ओल्ड नेम ऑफ कराची, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। इंडियन फोर्स ऑक्यूपाइड कश्मीर इन 1947, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट है। 46 में हमारे पास 46 में एक करेक्ट है। नेक्स्ट 47 है, विच वन इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, मारखोरा और रेम स्टैंड्स फॉर रेंडम एक्सेस मेमरी, ऑप्शन सी। और व्हाट डज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश इन 1948। रिजल्ट अपडेट और इंटरव्यू वगैरह के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह मुफीद वीडियोज़ का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।